हेलो स्टूडेंट वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास दिस इज पायल जयसवाल दिस क्लास इज फॉर क्लास सिक्स क्लास सिक्स में हमने अपने लिटरेचर में फर्स्ट चैप्टर टू द कंट्री अगेन पोएम रीड की थी पोएम रीडी करने के साथ उसके उसमें रिटर्न वर्क किया था कि हमें उस पोएम को लिखकर उसकी ड्राॅइंग बनानी थी और एक्सरसाइज हमने अपनी कम्प्लीट कर ली है एक्सरसाइज कम्प्लीट के बाद ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम अपना क्वेश्चन आंसर कम्प्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर को हम अपनी फेयर कॉपी में ही लिखेंगे तो लेट्स स्टार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पोएट विच इज बेटर अ विलेज लाइफ और अ सिटीज लाइफ आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द पोएट विलेज लाइफ इज बेटर फिर से देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएट विच इज बेटर अ विलेज लाइफ और अ सिटीज लाइफ फर्स्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू द पोएट विलेज लाइफ इज बेटर second question is which sweet smelling thing can be found in a village which sweet smelling thing can be found in a village our answer is sweet smelling of hay can be found in a village sweet smelling of hay can be found in a village question third what are head grows and where can they can be seen what are head grows and where can they can be seen answer hedgerows are a line of bushes small trees and plants along the edge of a road or field they can be seen in the village again we will see our answer hedgerows are a line of bushes small trees and plants along the edge of a road or field they can be seen in the village our next question is: define trams and where do we find them? Define trams and where do we find them? Tram an electric vehicle that transports people. We find them in cities. Trams an electric vehicle that transports people. We find them in cities. Our next question is: what blowed out the sky and how? What bloat out the sky and how? The breath of chimneys that bloat out the sky because chimneys use passage for smoke. The breath of chimneys that bloat out the sky because chimneys use passage for smoke. Our last question is What can be seen with loads in the village? What can be seen with लोड्स इन carts with their विद can लोड्स कैन बी सीन इन bull carts with विद loads लोड्स कैन बी सीन इन village ये हमारे सारे क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर के एक बार हम फिर से क्वेश्चन आंसर देखेंगे अपने और इन्हें हमें बहुत ही नीटली अपनी फेयर कॉपी में लिखना है कहीं भी व्हाइटनर का यूज नहीं करेंगे हेडिंग के लिए हम स्केच पेन का यूज करेंगे क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखेंगे और आंसर्स ब्लू पेन से आंसर बिल्कुल नीट और क्लीन होने चाहिए कहीं भी वाइटनर का यूज नहीं करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट विच इज बेटर अ अ विलेज लाइफ लाइफ और सिटीज आंसर अकॉर्डिंग टू द पोएट विलेज लाइफ इज बेटर नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्वीट स्मेलिंग थिंग कैन बी फाउंड इन विलेज आंसर है स्वीट स्मेलिंग ऑफ हे कैन बी फाउंड इन विलेज थर्ड क्वेश्चन वॉट आर हेड ग्रोज And where can they can be seen? Head are a line of bushes, small trees and plants along the edge of a road or field. They can be seen in the village. Our fourth question is, define trams and where do we find them? Tram and electric vehicle that transport people. We find them in cities. Fifth question is, what blowed out the sky and how? द ब्रेथ ऑ ऑफ द चिमनी इज द्लोट आउट द स्का बिकॉज चिमनी इज यूज पैसे फॉर स्मोक अवर लास्ट क्वेश्चन इज वॉट कैन बी सीन विद लोड्स इन दिलेज तो आंसर है बुल कार्ड विदर लोड्स कैन बी सीन इन दिलेज अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपना सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे फिर से आपको बता रही हूँ आपको क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर कॉपी में लिखने हेडिंग आपको ब्लैक स्केच पेन स्केच पेन से डालनी है क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं और आंसर ब्लू पेन से कहीं भी व्हाइटनर का यूज नहीं करना है थैंक यू